गुड मॉर्निंग अनिल सर, विदेशी बाजार के संकेतों से तो गिरावट देखने को मिल रही है, भारतीय बाजार के लिए फिर आज क्या फोकस में रहेगा, पहली स्ट्रैटेजी क्या होगी? मानते हैं कि नीचे की तरफ बाजार चल रहे हैं, आज भी संकेत अच्छे नहीं है, आखिरी ट्रेडिंग सेशन है तो कुछ अहम लेवल है जिन पर नजर रखनी है। तो दिन के दौरान अगर 14,950 तो फिर कमजोरी के संकेत कन्फर्म होते हुए देखेंगे कि आपके अब 15,400 हाई बना दिन पहले वो बेसिस पर भी अगर हम 15,000 के नीचे आज बंद होते हैं तो फिर थोड़ा अगले हफ्ते के लिए समस्या बन सकती। तो सपोर्ट जोन हम आ चुके हैं जो 14,975 से लेकर 15,065 की रेंज का है निफ्टी पर, और आज ये होल्ड बाजार के लिए अच्छा है। तो इस वहाँ पर बाजार के लिए लगातार सेलिंग प्रेशर जाता हुआ दिख रहा है, तरफ से बिक्री का प्रेशर आ रहा है। तो मैंने ये समझा कि 215,240 रुकावट का लेवल है, अगर इसे 15,345 की तरफ बढ़ता हुआ रखेगा, लेकिन आज के लिए जिस तरह के संकेत है उसको देखते हुए 15,200 बैंक बहुत अच्छी क्लोजिंग नहीं दी, जिस तरह से 35,750 नीचे बंद हुआ है, थोड़ा सा बैंक निफ्टी पर दबाव बढ़ने की आशंका है। 35,836 अब ये फाइनल सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए भी निकल कर आ रहा है, और ऊपरी स्तरों पर 36,900 लेवल है, इससे पार करने के बाद बैंक निफ्टी में फिर आपको ताकत दिखेगी। तो कमजोर शुरुआत अगर होती है और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल पर नजर रखिए, यहाँ से एक संभावना है कि थोड़ी सी आपको बाउंस मिले, हल्की खरीदारी मिले, लेकिन ऊपरी स्तरों पर जैसे जैसे उछाल आता है थोड़ा सा पोजीशन हल्की करने की सलाह होगी। हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, ज्यादा क्लियर कट व्यू के साथ बाजार में उतर पाएंगे तो दोनों तरफ से मिल सकते हैं। जैसे कि आप पिछले दो ट्रेडिंग सेशन देख रहे हैं, कमोबेश आज भी रहेगा। बिल्कुल अनिल सर, शुक्रिया ये स्ट्रैटेजी हमें बताने के लिए। तो दोनों साइड के मूव्स देखने को मिल सकते हैं, हफ्ते का आखिरी कारोबारी सत्र है, हर स्ट्रैटेजी को ध्यान से फोकस पर रखिएगा। सपोर्ट रेंज निफ्टी के लिए 14,975 से 15,065 की होगी, ऊपरी स्तर 15,200 से 15,240 के, बैंक निफ्टी 35,800 से 36,100 इसे सपोर्ट जोन के तौर पर मानकर चले, और 36,900 से 37,100 बैंक निफ्टी के लिए आज के लिए ऊपरी रेंज होगी।